अध्याय 12 सृजनहार मौन। मुख से कही बात अधिक से अधिक एक निष्कपट झूठ है। न रौंदा। जब 3 दिन बीत गए तो सातों साथी मानो किसी सम्मोहक आदेश के अधीन अपने आप इकट्ठे हो गए और नीड़ की ओर चल पड़े। मुर्शिद हमसे यूं मिले जैसे उन्हें हमारे आने की पूरी आशा रही हो। मीदाद। मेरे नन्हे पंछियों, एक बार फिर मैं तुम्हारे नीर में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। अपने विचार और इच्छाएं मीदाद से स्पष्ट कह दो। मिकियन। हमारा एकमात्र विचार और इच्छा मीदाद के निकट रहने की है, ताकि हम उनके सत्य को महसूस कर सकें और सुन सकें। शायद हम उतने ही छाया मुक्त हो जाएं जितने वे हैं, फिर भी उनका मौन हम सबके मन में श्रद्धा मिश्रित भय उत्पन्न करता है। क्या हमने उन्हें किसी तरह से नाराज कर दिया है? मीदाद। तुम्हें अपने आप से दूर हटाने के लिए मैं 3 दिन मौन नहीं रहा हूँ, बल्कि मौन रहा हूँ तुम्हें अपने और अधिक निकट लाने के लिए। जहाँ तक मुझे नाराज करने की बात है, याद रखो, जिस किसी ने भी मौन की अजय शांति का अनुभव किया है, उसे ना कभी नाराज किया जा सकता है, ना वह कभी किसी को नाराज कर सकता है। मिकियन। क्या मौन रहना बोलने से अधिक अच्छा है? मीदाद। मुख से कही बात अधिक से अधिक एक निष्कपट झूठ है, जबकि मौन कम से कम नग्न सत्य है। अभिमार। तो क्या हम यह निष्कर्ष निकालें कि मीदाद के वचन भी निष्कपट होते हुए भी केवल झूठ हैं? मीदाद। हाँ, मीदाद के वचन भी उन सब के लिए केवल झूठ हैं जिनका मैं वही नहीं जो मीदाद का है। जब तक तुम्हारे सब विचार एक ही खान में से खोदकर ना निकाले गए हों, और जब तक तुम्हारी सब कामनाएं एक ही कुएं में से खींचकर ना निकाली गई हों, तब तक तुम्हारे शब्द निष्कपट होते हुए भी झूठ ही रहेंगे। जब तुम्हारा मैं और मेरा मैं एक हो जाएंगे, जैसे मेरा मैं और प्रभु का मैं एक है, हम शब्दों को त्याग देंगे और सच्चाई भरे मौन में खुलकर दिल की बात करेंगे, क्योंकि तुम्हारा मैं और मेरा मैं एक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ शब्दों का युद्ध करने को बाध्य हूँ, ताकि मैं तुम्हारे ही शस्त्रों से तुम्हें पराजित कर सकूँ और तुम्हें अपनी खान और अपने कुएं तक ले जा सकूँ। और केवल तभी तुम संसार में जाकर उसे पराजित करके अपने वश में कर सकोगे, जैसे मैं तुम्हें पराजित करके अपने वश में करूँगा। और केवल तभी तुम इस योग्य होगे कि संसार को परम चेतना के मौन तक, शब्द की खान तक और दिव्य ज्ञान के कुएं तक ले जा सको। जब तक तुम मीदाद के हाथों इस प्रकार पराजित नहीं हो जाते, तुम सच्चे अर्थों में अजय और महान विजेता नहीं बनोगे, ना ही संसार अपनी निरंतर पराजय के कलंक को धो सकेगा जब तक कि वह तुम्हारे हाथों पराजित नहीं हो जाता। इसलिए युद्ध के लिए कमर कस लो, अपनी ढालों और कवचों को चमका लो और अपनी तलवारों और भालों को धार दे दो। मौन को नगाड़े पर चोट करने दो और ध्वज भी उसी को थामने दो। फिर बैनून मीरदाद से पूछता है, यह कैसा मौन है जिसे एक साथ नगारची और ध्वजधारी बनना होगा? मीरदाद। जिस मौन में मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, वह एक ऐसा अंतहीन विस्तार है जिसमें अनस्तित्व अस्तित्व में बदल जाता है और अस्तित्व अनस्तित्व में। वह एक ऐसा विलक्षण शून्य है जहाँ हर ध्वनि उत्पन्न होती है और शांत कर दी जाती है, जहाँ हर आकृति को रूप दिया जाता है और रूप रहित कर दिया जाता है, जहाँ हर अहम को लिखा जाता है और अलिखित किया जाता है, जहाँ केवल वह है और वह के सिवाय कुछ नहीं। यदि तुम उस शून्य और उस विस्तार को मूक ध्यान में पार नहीं करोगे, तो तुम नहीं जान पाओगे कि तुम्हारा अस्तित्व कितना यथार्थ है और तुम्हारा अनअस्तित्व कितना कल्पित। ना ही तुम यह जान सकोगे कि तुम्हारा यथार्थ संपूर्ण यथार्थ से कितनी दृढ़ता से बंधा हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसी मौन में बहा दो तुम अपनी चिंताओं और आशंकाओं को,
अपने मनोवेगों और तृष्णाओं को, अपनी ईर्ष्याओं और लालसाओं को, ताकि तुम उन्हें एक एक करके मिटते हुए देखो और इस तरह अपने कानों को निरंतर चीख पुकार से छुटकारा दिला दो और बचा लो अपनी पसलियों को उनकी नुकीली एड़ों की पीड़न से। मैं चाहता हूँ कि इसी मौन में फेंक दो तुम इस संसार के धनुष बाण जिनसे तुम संतोष और प्रसन्नता का शिकार करने की आशा करते हो, परंतु वास्तव में अशांति और दुख के सिवाय और किसी चीज का शिकार नहीं कर पाते। मैं चाहता हूँ कि इसी मौन में तुम अहम के अंधेरे और घुटन भरे खोल में से निकलकर उस एक अहम की रोशनी और खुली हवा में आ जाओ। इसी मौन की सिफारिश करता हूँ मैं तुमसे, ना कि बोल बोलकर थकी तुम्हारी जीवा के लिए विश्राम की। धरती के फलदायक मौन की सिफारिश करता हूँ मैं तुमसे, ना कि अपराधी और धूर्त के भयानक मौन की। डींग मारती नेकी से खबरदार रहो मेरे साथियों, जैसे तुम अपनी शर्मिंदगी का मुंह बंद रखते हो वैसे ही अपने सम्मान का मुंह भी बंद रखो, क्योंकि डींग मारता सम्मान मूक कलंक से बदतर है, शोर मचाती नेकी गूंगी बदी से बदतर है। बहुत बोलने से बचो, बोले गए हजार शब्दों में से शायद एक केवल एक ऐसा हो जिसे बोलना सचमुच आवश्यक है, बाकी सब तो केवल बुद्धि को धुंधला करते हैं, जीवा को कष्ट देते हैं और हृदय को भी अंधा करते हैं। कितना कठिन है वह शब्द बोलना जिसे बोलना सचमुच आवश्यक है। लिखे गए हजार शब्दों में से शायद एक केवल एक ऐसा हो जिसे लिखना सचमुच आवश्यक है, बाकी सब तो व्यर्थ में गवाही स्याही और कागज है। और ऐसे क्षण हैं जिन्हें प्रकाश के पंखों के बजाय शीशे के पैर दे दिए गए हैं। कितना कठिन है वह शब्द लिखना जिसे लिखना सचमुच आवश्यक है। अंत में बैनुन कहता है, और प्रार्थना के बारे में क्या कहोगे मुर्शिद मीदाद? प्रार्थना में हमें आवश्यकता से कहीं अधिक शब्द बोलने पड़ते हैं और आवश्यकता से कहीं अधिक चीजें मांगनी पड़ती हैं, किंतु मांगी हुई चीजों में से हमें शायद ही कभी कोई प्रदान की जाती है।